हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2022 की एक एक्शन साईफाई फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है प्रे। फिल्म की स्टार्टिंग में हम 1719 का समय देखते हैं जहां एक ट्राइब रहती है और उस ट्राइब की एक लड़की जिसका नाम नारू है जो एक शिकारी बनना चाहती है। नारू अपने कुत्ते के साथ जिसका नाम सारी है जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन जब कोई उसे नहीं देख रहा होता है वो अपने ग्रुप को छोड़कर एक पेड़ पर एक्स थ्रो करने की प्रैक्टिस करती है। वहां जमीन पर नारू कुछ पंजों के निशान देखती है और एक सफेद पूंछ वाले हिरण को खोजने के लिए उसका पीछा करती है और उसका शिकार करने का फैसला करती है। जैसे ही वो अपनी कुलाड़ी से हमला करने वाली होती है, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होती है जिससे हिरण डरकर भागने लगता है। नारू और सारी उसका पीछा करते हैं और नारू उस पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन कुल्हाड़ी एक पेड़ पर फंस जाती है। सारी हिरन के पीछे दौड़ता रहता है और गलती से उसकी पूंछ एक भालू के ट्रैप में फंस जाती है। हिरन को भूलकर नारू अपने कुत्ते को बचाने के लिए दौड़ती है और कुछ जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती है। फिर वो ट्रैप को चेक करती है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। उसी वक्त आसमान में फिर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और जब वो ऊपर देखती है तो आसमान में उसे एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे वो एक थंडरबर्ड समझती है। इसके बाद नारू अपने भाई टाबे से मिलने जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छा शिकारी है, उससे ये पूछने के लिए कि क्या अगली बार जब वो शिकार करने जाएगा तो उसे भी अपने साथ ले जाएगा। टाबे थोड़ा डाउट में है लेकिन हाँ कर देता है। फिर नारू ट्राइब में वापस अपने टेंट में आ जाती है और अपनी माँ अरुका से मिलती है जो ट्राइब के हेड के लिए दवा बना रही है। इसी बीच अरुका अपनी बेटी को कुल्हाड़ी को शार्प करते हुए देख लेती है तो वो उससे पूछती है कि वो एक लड़की होकर शिकार क्यों करना चाहती है जबकि वो दूसरी चीजों में काफी अच्छी है। तभी टाबे वहां आ जाता है जो अपनी माँ से कहता है कि वो एक दिन जरूर शिकार करेगी। इसी बीच ये पता चलता है कि आसमान में जो गड़गड़ाहट हो रही थी एक्चुअली में वो एक स्पेसशिप है जो एक एलियन को अर्थ पर छोड़ती है जिसका नाम प्रीडेटर है। प्रीडेटर ताकतवर और तेज है और उसकी टेक्नोलॉजी उसे इनविजिबल बना देती है, साथ ही उसके पास हीट विजन गॉगल्स है। नारू अपनी माँ के लिए ऑरेंज फ्लावर्स लेने जाती है जिनमें से वो कुछ अपने लिए अपने बैग में रख लेती है। जब नारू वापस ट्राइब में लौटती है तो उसे पता चलता है कि एक पहाड़ी शेर उनके एक आदमी को उठा ले गया है और शिकार करने वालों का एक ग्रुप उन्हें खोजने के लिए जा रहा है। नारू उनके साथ जाने के लिए कहती है लेकिन कुछ आदमी नहीं चाहते कि नारू उनके साथ आए क्योंकि नारू ने उनकी तरह शिकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है। पर टाबे नारू को साथ ले जाने के लिए मान जाता है क्योंकि नारू ट्रैकिंग और जड़ी बूटियों से दवाई निकालने में माहिर है। प्रीडेटर एक सांप को मारने में बिजी है और शिकार करने वाला ग्रुप पहाड़ी शेर के पंजों का पीछा करते हुए अपने घायल दोस्त जिसका नाम पूही है उस तक पहुंचते हैं। शिकार करने वाला ग्रुप पूही के लिए स्ट्रेचर बनाना स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ नारू पूही की चोटों पर जड़ी बूटी लगाती है और साथ ही ऑरेंज रंग के फूल भी खिलाती है जो उसके खून को ठंडा कर देगा। शिकार करने वाला ग्रुप पूही को वापस ट्राइब में ले जाते हैं लेकिन टाबे पहाड़ी शेर को ढूंढने के लिए पीछे ही रुक जाता है। नारू भी उसके साथ रुकना चाहती है क्योंकि नारू को लगता है कि वहां शेर के अलावा कुछ और भी है जिससे शेर डरकर भाग गया और पूही को जिंदा छोड़ गया। टाबे इस बात को नहीं मानता और नारू को वापस ग्रुप के साथ भेज देता है। पहले तो नारू ग्रुप के साथ चल पड़ती है लेकिन उसको रास्ते में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है जैसे कि जमीन पर पंजे के निशान जो भालू के पंजे से काफी बड़ा था और एक पेड़ के ऊपर खून के निशान। नारू टाबे को चेतावनी देना चाहती है इसलिए शिकार करने वाला ग्रुप नारू के साथ पाके को भेज देते हैं और बाकी लोग ट्राइब वापस चले जाते हैं। नारू और पाके टाबे को ढूंढ लेते हैं और शेर को मारने में मदद करते हैं। टाबे शेर के लिए चारा डालता है। नारू और टाबे पेड़ पर चढ़कर उसका इंतजार करते हैं और शेर जल्दी ही आ जाता है। शेर पाके को पेड़ से खींच लेता है और मार देता है। फिर शेर नारू को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और नारू धीरे धीरे पीछे हटती है
लेकिन अचानक आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज सुनती है, जिससे शेर को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। नारू पेड़ से गिरकर बेहोश हो जाती है और जब जागती है तो अपने आप को टेंट में पाती है। अरुका अपनी बेटी को बताती है कि टाबे उसको यहाँ उठा लाया और नारू की दवा से पूही बच गया है, इसलिए अरुका को लगता है कि नारू को दवाइयों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शिकारी बनने पर। उनकी बातचीत यहीं ख़त्म हो जाती है क्योंकि टाबे शेर के शरीर के साथ लौटता है, जिसके लिए ट्राइब का हेड उसको सम्मानित करता है। नारू को अभी भी लगता है कि जंगल में कुछ और है जो खतरनाक है और नारू को उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन टाबे उसको नहीं जाने देता। अगली सुबह बिना किसी को बताए नारू अपने कुत्ते सारी को लेकर उस खतरनाक चीज़ को ढूंढने के लिए निकल जाती है और जंगल में किसी अननोन क्रिएचर के होने के प्रूफ देखती है, जैसे पेड़ों पर ग्रीन ब्लड, काफ़ी बड़े पंजे। उसी समय कहीं पर प्रीडेटर वुल्फ को मारकर उसकी खोपड़ी का एक मास्क बनाता है अपने चेहरे को ढकने के लिए। दूसरी ओर नारू शिकार नहीं कर पाती क्योंकि भागते जानवर को मारना एक पेड़ को मारने से काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए वो अपनी फेंकने वाली कुल्हाड़ी में रस्सी बांध देती है, जिससे उसको कुल्हाड़ी वापस लेने में कम टाइम लगता है। और इस तरह नारू कुछ रैबिट्स को मारती है और खा लेती है। काफ़ी देर चलने के बाद नारू को बहुत सारे मरे हुए बुल्स दिखाई पड़ते हैं, जिनकी बॉडी से चमड़ी गायब थी और उनके आसपास कुछ बुलेट्स गिरे हुए हैं। लेकिन नारू को नहीं पता कि बुलेट्स क्या हैं, इसलिए उसको लगता है कि ये सब उस क्रिएचर ने किया होगा। जैसे ही नारू थोड़ा आगे जाती है तो गलती से दलदल में गिर जाती है। लकीली नारू अपनी कुल्हाड़ी को पेड़ पर फेंककर दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। इसी बीच प्रीडेटर भी मरे हुए बुल्स के पास आता है, जिससे उसको लगता है कि यहाँ इस एरिया में खतरनाक शिकारी है। नारू नदी में अपने आप को क्लीन कर रही होती है और तभी उसको एक भालू दिखाई पड़ता है, जिसका वो शिकार करने का सोचती है, लेकिन उसका धनुष टूट जाता है, जिससे भालू नारू के पीछे भागता है। सारी भालू को डिस्ट्रैक्ट करता है और नारू पानी में कूद कर कुछ लकड़ियों के पीछे छिप जाती है। भालू उसे मारने ही वाला होता है कि तभी प्रीडेटर वहां आ जाता है और वो भालू को मार देता है। भालू का खून प्रीडेटर पर गिरता है, जिससे नारू को प्रीडेटर दिख जाता है और अपने आप को बचाने के लिए नारू नदी में कूद जाती है। प्रीडेटर उसे देख लेता है लेकिन उसे जाने देता है, क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं था, जिससे उसको लगता है कि नारू से उसे कोई खतरा नहीं है। जंगल में वापस जाने के बाद नारू अपने ट्राइब के कुछ लोगों से मिलती है, जिनको टाबे ने उसे ढूंढने के लिए भेजा था। वो लोग नारू की बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कोई भी इतना खतरनाक क्रिएचर नारू को इतनी ईजिली क्यों जाने देगा। और जब नारू वहां से जाने लगती है तो वसापे उसको पकड़ लेता है और उसको ग्रुप के साथ ट्राइब ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में कुछ अजीब आवाजें सुनकर और वसापे की चेस्ट पर रेड लाइट देखकर ग्रुप रुक जाता है। इनविजिबल प्रीडेटर वसापे को मार देता है, और जब प्रीडेटर वसापे के शरीर से अपने एरो लेने के लिए पास आता है तो बाकी शिकारी उसे एक तीर से मारते हैं, जिससे प्रीडेटर उनको दिख जाता है। सब शिकारी प्रीडेटर से लड़ने के लिए कूदते हैं, लेकिन प्रीडेटर बहुत तेज और ताकतवर है, वो सभी शिकारियों को आसानी से मार देता है। इस बीच नारू वसापे की बॉडी से अपना सामान उठाती है और रस्सी काटकर भाग जाती है। भागते हुए नारू खेतों में पहुंचती है, जहां उसे एक लड़का मिलता है जो प्रीडेटर को मारने के लिए अपना धनुष उठाता है, लेकिन तभी उसके सर पर भी वो रेड लाइट दिखाई देती है और नारू उसे वहां से भागने के लिए कहती है। प्रीडेटर लड़के को पकड़कर मार देता है, फिर नारू के पीछे भागता है। भागते हुए नारू का पैर ट्रैप में फंस जाता है, जो फ्रेंच लोगों ने लगाया था। प्रीडेटर फ्रेंच लोगों को देखकर नारू को कुछ नहीं करता और फ्रेंच लोग नारू को अपने कैंप में ले जाते हैं। सारी नारू को ढूंढते हुए वहां आता है, लेकिन फ्रेंच उसको भी पकड़कर बांध देते हैं। नारू देखती है कि फ्रेंच लोगों ने बुल्स के फर पहन रखे हैं, तो इसका मतलब इन लोगों ने ही बुल्स को मारा होगा। फ्रेंच लोगों में से एक आदमी नारू से प्रीडेटर के बारे में पूछता है और बताता है कि प्रीडेटर एक ऐसा शिकारी है जो पृथ्वी पर एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को ढूंढ रहा है, जिससे वो लड़ सके। नारू उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिससे फ्रेंच लोग टाबे को नारू के सामने लाते हैं।
ताबे के शरीर पर एक कट लगाकर उसे पेड़ पर बांध देते हैं ताकि फ्रेंच लोग उन दोनों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके प्रीडेटर को मार सकें। लेकिन प्रीडेटर अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाता है और एक एक करके फ्रेंच लोगों को मार देता है, पर एक ट्रैप में फंस जाता है। फ्रेंच उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रीडेटर ट्रैप से निकल जाता है और अपने अलग अलग एडवांस वेपन्स से उनको भी मार देता है, साथ ही अपनी स्ट्रॉन्ग शील्ड से उनकी गोलियों से अपने आप को भी बचा लेता है। इसी बीच एक ट्रैप नारू के पास गिरता है और वो उसका यूज करके रस्सी काटकर सारी को छुड़ाने जाती है और ताबे घोड़े ढूंढने जाता है और प्रीडेटर बाकी फ्रेंच लोगों को मार रहा होता है। फ्रेंच कैंप में बाकी बचे हुए फ्रेंच लोग भागने की तैयारी में है जो सारी को मारने वाले होते हैं, लेकिन नारू उनको मार देती है। फिर नारू सारी को फ्री करके उसको ताबे को ढूंढने के लिए भेजती है। नारू जब अपने जख्मों पर जड़ी बूटी लगा रही होती है तभी एक फ्रेंच आदमी जिसकी एक टांग कट गई है वो नारू के साथ डील करता है कि अगर नारू उसको दवाई लगा देगी तो वो बदले में उसे बंदूक चलाना सिखा देगा। नारू हाँ कर देती है और उसको ऑरेंज फ्लावर खिला देती है। उसको फ्रेंच के पैर पर एलियन टेक्नोलॉजी का कुछ टुकड़ा मिलता है जिससे वो अपने बैग में रख लेती है। इस बीच प्रीडेटर कैंप में आ जाता है। नारू उसे आते हुए सुनती है और जल्दी से छिप जाती है, जबकि फ्रेंच आदमी मरने का नाटक करता है क्योंकि उसने ऑरेंज फ्लावर खाया होता है जिससे उसका ब्लड ठंडा हो जाता है। तो प्रीडेटर उसे अपने हीट विजन गोगल से देख नहीं पाता लेकिन गलती से उसके पैर पर खड़ा हो जाता है जिससे फ्रेंच आदमी दर्द से चिल्लाता है और प्रीडेटर उसको भी मार देता है। सारी प्रीडेटर को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है इससे पहले कि प्रीडेटर सारी को शूट करे। ताबे घोड़े पर आकर प्रीडेटर को सर पर मारता है और ताबे सर्कल में घूम घूम कर प्रीडेटर के एरोज से अपने आप को बचाता है। नारू जब बंदूक नहीं चला पाती तो जोर से चिल्लाकर प्रीडेटर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उसी वक्त ताबे घोड़े से कूदकर प्रीडेटर पर अटैक कर देता है। अब ताबे और प्रीडेटर हैंड टू हैंड फाइट करते हैं जिससे ताबे प्रीडेटर को काफी चोट पहुंचाता है। तभी प्रीडेटर इनविजिबल होकर ताबे को पीछे से मार देता है, लेकिन मरते समय वो प्रीडेटर के पैरों को पकड़ लेता है जिससे नारू को भागने का मौका मिल जाता है। ट्राइब में दूसरी सर्च पार्टी वापस आकर अरुका को खबर देती है कि उन्हें नारू और ताबे नहीं मिले। दूसरी तरफ नारू नदी के दूसरी तरफ एक बचे हुए फ्रेंच आदमी को देखती है जिसको वो एलियन टेक्नोलॉजी यूज करके पकड़ लेती है। जब उस आदमी को होश आता है तो नारू अपने चेहरे पर पेंट लगाते हुए देखती है, जिसके बाद नारू ने ऑरेंज फ्लावर खाया अपने ब्लड को ठंडा करने के लिए। उसने फ्रेंच आदमी को अपनी पिस्तौल बिना गोलियों के दे दी ताकि वो उसको एक चारे के रूप में इस्तेमाल करके प्रीडेटर को मार सके। थोड़ी देर बाद प्रीडेटर आदमी को मारने वहां आता है और ऑरेंज फ्लावर के इफेक्ट से नारू को नहीं देख पाता। नारू इसका फायदा उठाती है और प्रीडेटर को पीछे से गोली मारती है जिससे वो मरता नहीं पर उसका मास्क गिर जाता है। नारू मास्क उठाकर एक ऐसी जगह भागती है जहां उसने प्रीडेटर को मारने के लिए ट्रैप बनाए हैं। प्रीडेटर नारू के ब्लड को फॉलो करता है जो नारू ने जानबूझकर गिराए थे। अब प्रीडेटर पास आता है, वो उसके ऊपर कूद कर उसे मारती है। प्रीडेटर वापस लड़ता है और जब वो नारू को मारने वाला होता है तो नारू का कुत्ता सारी प्रीडेटर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और नारू प्रीडेटर को दलदल में फेंक देती है। प्रीडेटर दलदल से निकलकर नारू को शूट करता है लेकिन एरो घूमकर वापस प्रीडेटर को लग जाता है क्योंकि नारू ने मास्क छुपा दिया होता है जिसका निशान प्रीडेटर पर होता है और प्रीडेटर मर जाता है। अगली सुबह नारू प्रीडेटर की खोपड़ी लेकर वापस ट्राइब में आती है और अपने ट्राइब के हेड को गिफ्ट कर देती है। नारू सबसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि प्रीडेटर के और भी साथी आ सकते हैं। दोस्तों, ये है प्रीडेटर मूवी का प्रीक्वल। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।